स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको अपनी दिखा रही हूँ खूबसूरत सफ़ेद फूलों वाली बेल, जिसका नाम है क्लेमेटस। अगर आप अपने गार्डन में एंट्रेंस पे ही इसको लगाएंगे तो इसकी भीनी भीनी खुशबू आपका गार्डन पूरा भर देगी। देखिए कितने खूबसूरत फूल हैं ये। देखिए पेरिनियल ये बेल है और बहुत ही खूबसूरती से ये क्लाइम करती है। अब मैं बात करती हूँ इसकी सॉइल की। इसको वेल ड्रेन मॉइस्ट सॉइल अच्छी लगती है और ये फुल सन में और सेमी शेड में बहुत अच्छे से चलती है। आप इसकी रेगुलर प्रूनिंग करते रहें, इसको पानी डालें ताकि ये निकलता रहे। और ये क्योंकि फूलों वाली बेल है तो इसको हैवी फीडर है, ये फर्टिलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। इसको आप वंस इन अ मंथ इसको फर्टिलाइज़ करें। आप इसकी जड़ को छाया में रखें और इसकी जो ऊपर बेल है उसको आप फुल सन के लिए ऊपर चढ़ा दें। तो इसके लिए ट्रेलिस बनाना बहुत ज़रूरी है। पहले मैंने इसको अपने अमरूद के पेड़ के नीचे रखा हुआ था, ये पूरी उसके ऊपर चढ़ गई थी। बड़ी मुश्किल से मैंने खींच खाँच के उतार के ये कामचलाऊ ट्रेलिस बना के उसके ऊपर मैंने इसको गोल करके चढ़ा दिया। तो इसकी हेल्दी लीव्स के लिए हम इसमें डालते हैं जो फर्टिलाइज़र है वो है एप्सम सॉल्ट। ये देखिए ये इस तरह का होता है, ये मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी को पूरा करता है। इसकी हेल्दी लीव्स के लिए ये अच्छा है, जिससे कि प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये ज़रूरी है। आप इसको दो स्पून इसके इस तरह का ये है, ये टू स्पून आप इसके लेके आप इसको इसमें लिक्विड, ये 2 लीटर पानी में मैंने 1 स्पून डाला है, इसमें आप 5 लीटर में भी इसको डाल के इसको इसके फोलिएज के ऊपर स्प्रे करें। ये देखिए इस तरह से इसको स्प्रे करें तो इसमें इसको अच्छा फर्टिलाइज़र मिलता है। और वैसे हम अगर आपने नीचे इसको स्प्रिंकल करना है इसकी जड़ों में, तो आप इसको नीचे इस तरह से इसके पास थोड़ा इसको 1 स्पून आप ये डालें एप्सम सॉल्ट और 1 स्पून ये मैग्नीशियम है, वो भी फ्लावर्स के लिए बहुत अच्छा है। आप थोड़ी सी इसमें गुड़ाई करें और ये आप वंस इन अ मंथ आप फूलों वाली बेल में इस तरह कर सकते हैं और इसमें पानी डालें तो ये अच्छा इसको एक फर्टिलाइज़र मिलता है, जिससे कि आपकी बेल खूबसूरती से चलेगी। इसके लिए ट्रेलिस ज़रूर बनाएं और ज़रा नज़दीक से देखें कितने सारे फ्लावर्स हैं इसमें। और इसकी भीनी भीनी खुशबू तो पूरा आंगन भर देगी। इस तरह से फिर आप इसमें इसको पानी डालें और इसकी रेगुलर प्रूनिंग करती रहें, क्योंकि ये इसकी डेड लीफ जो हैं वो आपको साथ साथ हटानी पड़ेंगी, तभी इसमें न्यू लीफ आएंगी। ये देखिए ये इसमें सारी इसकी बर्ड्स हैं और इस तरह से ये इसकी डेड जो है लीफ वो हटाते रहें और ये बहुत खूबसूरती से क्लाइम करेगी। तो ये थी भीने भीने खुशबू वाली बेल क्लेमेटस की, और मैंने आपको फर्टिलाइज़र बताया, आप इसको यूज़ करें। तो ये थी मेरे पास जानकारी खूबसूरत फूलों वाली बेल की क्लोज़अप देने। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।